ANM News campaign against excess use of mobile phones by the school-going children. Let's find out what the people of Kashmir has to say. In this contemporary world, where the excess use of cellular devices is common for everyone, in this regard, ANM News has started a campaign that how the excess use of mobile phone has affected the mental as well as physical structure of the school-going children, or should I say the teenagers. बच्चे जो आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं एक्सेस के साथ यूज़ करते हैं नो डाउट कि बच्चे को इंटरनेट की सहूलियात एक टच में उसको उपलब्ध है उसमें लेकिन अगर देखा जाए कि आजकल के जो बच्चे हैं जो आजकल की छोटी जनरेशन है नई जनरेशन है बहुत ज़्यादा यूज़ करती है एक्सेस ऑफ मोबाइल उसकी वजह से क्या है कि पहले तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम आज तक अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है या तो आंखों की बिनाई कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको आंखों की बिनाई ये चली गई है गेम भी वायरल हो गई पबजी गेम उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है सुसाइड भी की है तो देखा अगर तो ओवरऑल अगर आज देखा जाए तो बच्चों पे आज पॉजिटिव इफेक्ट के बजाय नेगेटिव इफेक्ट उन पे ही पड़ता है टुडे वी टॉक वी हैव अ कन्वर्सेशन विद सेवरल कश्मीरी इंक्लूडिंग द टीचर्स इंक्लूडिंग द कॉमन कश्मीरी इंक्लूडिंग एडिटर ऑफ लोकल न्यूज एजेंसीज देखिए जहां तक बच्चों के मोबाइल यूज का सवाल है इसमें दो तीन फैक्टर्स काम कर रहे हैं एक तो ये कि पहले जो बच्चे नाबालिग हो उनको कभी हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए ये अपने पेरेंट्स पर उनके पेरेंट्स पर भी डिपेंड है कि वो बच्चों को किस तरह तरबियत दें उनको चाहिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपने मोबाइल के साथ खेलने की इजाज़त न दें किसी भी सूरत में और इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वारदात हो गए हैं जिनमें ये कुछ खतरनाक गेम्स भी खेले जाते हैं जिनकी वजह से बहुत से बच्चों ने खुदकुशी भी की है तो जहां तक ये मोबाइल का इसमें ताल्लुक है इससे बचपन में ही वो सन बलूगियत पार करता है जो अपनी शहवानी वगैरह हैसियत है उसकी वो उसको हद पार करता है तो एक बुराई की तरफ जाता है जब बुराई की तरफ इंसान जाता है बच्चा जाता है बचपन में ही जाता है तो वो जवान होकर इसी रास्ते पर चलेगा दे सेड दैट एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स नॉट ओनली रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इट आल्सो कॉजेस द डेथ देखो अगर हम देखा जाए आजकल के बच्चे जो है जो अगर मैं पहले छोटे बच्चों की बात करूं जो एक साल डेढ़ साल के बच्चे हैं तो उनके जो घर वाले जो उनके माँ बाप है वो उनको फ़ोन से ही खाना खिलाते फ़ोन देकर ही खाना खिलाते फ़ोन देकर ही सुलाते जो बिल्कुल गलत है अगर हम बड़ों की बात करें जो बड़े बच्चे जो एट्थ नाइन्थ टेंथ में पढ़ते हैं उनको एक प्रॉब्लम हुई है वो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं उनकी आँखें इफ़ेक्ट हो रही है उनका जो माइंड है वो इफ़ेक्ट हो रहा है मोबाइल चलाने से उनको परहेज करना चाहिए क्योंकि अगर हम देखा जाए इस वक्त जो भी हमारे बच्चे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनकी आंखों की तरह अगर हम देखें वो सुबह अच्छी तरह से उठ नहीं पाते उनको उठाना जगाना पड़ता है क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते वो डीएक्टिवेट हुए होते हैं इनको चाहिए कि जो उनके माँ बाप है उनको चाहिए वो उन पर थोड़ा सा ध्यान दें उनको कम मोबाइल यूज़ करने दें मोबाइल यूज़ करने दें मगर उतना नहीं जितने वो एग्रेस हो क्योंकि फिर उनको जगाना पड़ता है वो सोए होते दिन में भी सोए हुए लगते तो इसलिए जो भी जिम्मेवार है मुझे लगता है ज्यादातर माँ बाप ही है जिम्मेवार क्योंकि वो छोटे बच्चों को भी आज मोबाइल से ही खाना खिलाते और सुलाते टू द सेवरल स्टूडेंट्स ड्यू टू द सेवरल गेम्स दैट वाज बीइंग प्लेड ऑन दिस सेलुलर डिवाइस देखिए ऑलरेडी जो हम अपने बच्चों को खो चुके हैं अगर हम देखेंगे सोशली और मॉरल वैल्यूज जो है बच्चों के और रिलीज वो खो चुके हैं अब पेरेंट जो है आज डिलीबरेटली बच्चों के हाथ में छोटे बच्चे जो है कम से कम दो साल के ढाई साल इसलिए देते हैं ताकि उसमें एंगेज रहे ताकि उनमें जो कोई बटन ना रहे और जो पेरेंटाइल इफेक्ट है जो पेरेंटाइल जो वो इफेक्शन है वो डे बाई डे कम हो रही है और जो एक सिमे कातिल है अगर हम रिसर्च के बेस पर देखेंगे कितना मुजिर है ये जो मोबाइल जो है बड़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए खासकर लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए छोटे बच्चों को माँ बाप मोबाइल देते हैं ताकि वो बिजी रहे अपने काम में तो ताकि उन पर कोई बटन न रहे जिसकी वजह से उनके अंदर जो भावना है प्यार माँ मोहब्बत के वो ऑलरेडी दूर हो चुकी है और मजीद दूर हो जाएगी आने वाली हमारी नस्ल जो है वो सोसाइटी से काफी दूर होंगी जब माँ बाप के साथ उनका लगाव नहीं तो सोसाइटी से क्या होगा लगाव ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है दिस सजेशन वॉज दैट दे पेरेंट्स दे शुड कंसेंट्रेट मोर टुवर्ड्स देयर वर्ड्स एंड रादर दे शुड अवॉइड गिविंग सेलुलर डिवाइस एक्सेसिवली टू द स्टूडेंट्स एंड द टीनएजर्स एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपने छोटे बच्चों के हाथों मोबाइल थमा देते हैं
جہاں تک موبائل کا تعلق ہے تو یہ ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی جو نشوونما ان پر مضر اثرات ڈالتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جدید دور ہے, لیکن ہمیں بچوں کے ہاتھوں اس قدر مطلب اتنا ٹائم موبائل نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ مطلب مورلٹی کھو جائے یا مطلب جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں وہ کھو جائے. ہاں ضروری ہے ان کے ہاتھوں میں بچہ دینا, آج یہ موبائل دینا آج چونکہ ماڈرن دور ہے, لیکن ہم اکثر اس مطلب اس گھر سے ان کے ہاتھوں موبائل دیتے ہیں, خود مطلب کاموں میں لگے رہے, وہ بزی رہے, وہ شور نہ مچائے, وہ اپنا تپلون حرکت سے باز رہے, لیکن حد سے زیادہ ان کے ہاتھوں موبائل دینا یہ بہت بڑی ایک پریشانی بن چکی ہے. کنکریٹر ای جنگلے پھرے آسک سبوج جھڑ بندھ کرے پلاسٹک پریبیش ہوک پریشکار گٹکا با سگریٹ نشیدھ مارن سینسیشن روپشریتیو پاشے آچے آسانسول میونسپل کارپوریشن. একটু সতর্কতা বাঁচাতে পারে আপনার প্রাণ. মালদা শহরকে করে তরুণ আরও যানজটমুক্ত. ট্রাফিক আইন মেনে চলুন. ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সবারই দায়িত্ব পথ সচেতনতা তৈরি. সৌজন্যে মালদা জেলা পুলিশ. Please don't forget to subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest updates.